नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। दोस्तों, जितिन प्रसाद बड़के वाले ब्राह्मण हैं, इसीलिए बीजेपी में लाए गए हैं। जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने की इकलौती क्वालिफिकेशन उनका ब्राह्मण होना ही है। बताया जा रहा है कि जितिन प्रसाद के बीजेपी में आने के बाद यूपी में ठोकरे खा रहे ब्राह्मण फिर से पूजनीय बना दिए जाएंगे। विजय बहादुर पाठक, ब्रजेश पाठक, दिनेश शर्मा, महेश शर्मा, रीता बहुगुणा जोशी, हृदय नारायण दीक्षित, शिव प्रताप शुक्ला जैसे ब्राह्मण बीजेपी में पहले से हैं, लेकिन अब तक ब्राह्मणों का उत्थान नहीं हो पाया है। विकास दुबे कांड में 4 दिन पहले ब्याकर आई नई नवेली दुल्हन खुशी दुबे अभी तक जेल में बंद है। किसी मर्द ब्राह्मण की आवाज नहीं निकल रही है, वो भी तब जब खुद कानून मंत्री ब्राह्मण हैं, खुद डेप्यूटी सीएम ब्राह्मण हैं, वो भी तब जब पुलिस ने विकास दुबे कांड के समय में ये माना था कि खुशी दुबे निर्दोष हैं, उसे बहुत जल्द पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाएगा। सारे पॉलिटिकल पंडित बता रहे हैं कि जितिन प्रसाद ब्राह्मणों को तारने के लिए बीजेपी में आए हैं। मैं कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल पंडित नहीं हूं, लेकिन सीधी बात करती हूं। अगर जितिन प्रसाद ब्राह्मण स्पेशलिस्ट के तौर पर बीजेपी में आए हैं, तो सबसे पहले बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का भी तो उत्थान करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के लेवल के ब्राह्मण नेता को खुद बीजेपी ने बर्फ में लगा रखा है। कांग्रेस के ब्राह्मण नेता जितिन प्रसाद को अगर यूपी में काम करना है तो ज्वाइनिंग लखनऊ में भी कराई जा सकती थी। योगी और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उनको गुलदस्ता देकर और एक शॉल उड़ाकर गले में बीजेपी का पट्टा डाल सकते थे। जितिन जी ने दिल्ली में ज्वाइन किया है, वही दिल्ली जिसने लखनऊ में बैठी सरकार का युद्ध चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जितिन का हाल यूपी बीजेपी में एके शर्मा जैसा ना हो जाए, क्योंकि दिल्ली से आई हुई चिट्ठी और दिल्ली से आए हुए नेता को यूपी सरकार पसंद थोड़ा कम करती है। बाकी आप बड़के वाले ब्राह्मण हैं। अभी बहुत सारे क्रिकेट मैच चल रहे हैं, इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड वन डे और 2020 इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच चल रहे हैं। इसके अलावा फुटबॉल के एशिया चैंपियन लीग वगैरह जैसे बहुत सारे मैच हैं। दोस्तों, वन एक्स बेट पर आप गेम खेलिए, यहाँ सही अंदाजा लगाकर ईमानदारी से पैसे जीत सकते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स वाले प्रोमो कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको $100 खेलने के लिए बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। जीती गई रकम आप बैंक और दूसरे तरीकों से निकाल सकते हैं, तो फिर खेलिए और जीतिए। लेकिन खेल में हार जीत का जोखिम रहता है, इसका ध्यान जरूर रखिए। जितिन प्रसाद जी का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, वो अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं। उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस के लोग और बीजेपी विरोधी बड़ी गालियां बक रहे हैं। कोई कहता है कि बड़े वाले हरंटे हैं, उनको बीजेपी में क्यों ले लिया गया, इनके बस का कुछ नहीं है, 2014 हारे, 17 हारे, 19 हारे, पंचायत चुनाव में अपने घर की महिला को नहीं जिता पाए। यही जितिन प्रसाद बंगाल में कांग्रेस के प्रभारी थे, कौन सा प्रभार संभाला भगवान जाने। कांग्रेस ही कहते हैं कि अच्छा हुआ कांग्रेस से चले गए, जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। देखिए, जितिन जी का नाम जितिन इसलिए रखा गया होगा कि जितिन जी जीतते रहे, लेकिन वो हमेशा हारते रहे हैं। बीजेपी में अभी जीतने के लिए ही गए हैं, कांग्रेस ही समझ ही नहीं पा रहे हैं। अरे, मैं तो कह रही हूँ कि जितिन जैसा नाम रखने के बाद अगर आप जीत नहीं पा रहे हैं तो फिर अच्छा किया कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। अब बीजेपी में आकर जीतना सीखिए, क्योंकि जीत के लिए देश को मरता छोड़ने की ट्रेनिंग उनको वहीं दी जा सकती है। आज के लिए इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। दोस्तों, मेरे लिखे संपादकीय अभियान यानी कि मेरे आर्टिकल्स मेरी वेबसाइट उल्टाचश्माUC.com पर देखिए, पढ़िए और जो भी राय हो वो कमेंट में बताइए। मैं वहां पर आपके कमेंट का जवाब 1 घंटे के भीतर गारंटी के साथ देती हूँ। और ट्विटर पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, @PragyaLive नाम से ट्विटर पर खोजिए, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब चलते हैं।